नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी में बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी। तो ये देखिए, हमने हरा भरा ताज़ा कद्दू लिया हुआ है। हमारे यहाँ इसे कोहड़ा बोला जाता है। तो इस सब्ज़ी में क्या क्या सामग्री डालना है, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ। एक प्लेट हमने भिगोया हुआ चना लिया है, घर का है। चार आलू है, साफ पानी में हमने धो लिया है, इसे उबालेंगे चना और आलू को। एक प्याज है, इसका तड़का लगाएंगे सब्जी में। दो लाल टमाटर है, बारीक काट कर सब्जी में डालेंगे। चार हरा मिर्च हमने लिया हुआ है, लहसुन का कली है, दो हरा वाला इलायची है, काली मिर्च है, जीरा है, साबुत धनिया है। सभी को आपस में पीस लेना है। कद्दू को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है। काटने के बाद में ही मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। कद्दू को मैं दो टुकड़े में कर ले रही हूँ। उबालने के लिए हमने चूल्हे पे बर्तन रख दिया है। अब इसमें डालेंगे आलू। अब इसके अंदर डालेंगे भिगोया हुआ चना। पकाने के अनुसार डालेंगे पानी। थाली या प्लेट से ढक के पकाना है। पकने के लिए हमने चूल्हे में आग जला दिया है। आलू और चना देखिए बहुत अच्छे से पक रहा है। 5-10 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए दोस्तों, चना और आलू पक चुका है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा से खाने वाला सोडा, ताकि जो चना है नरम हो जाए। इसे चला देंगे। थाली हटा के चेक कर लेना है। ये हमने लकड़ी लिया हुआ है, इसकी मदद से आलू को चेक कर लेंगे पका कि नहीं। ये देखिए एकदम बहुत अच्छे से आलू पक चुका है। चूल्हे से नीचे उतार के आलू का छिलका निकाल लेना है। सब्जी बनाने की सारी सामग्री रेडी है। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, मेथी, मंगरेल, सौंफ का तड़का लगाना है। तड़के चिटिक के बहुत अच्छे से पक रहे हैं। तो अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देना है। कांदा एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दू बारीक कटा हुआ। अब इसे चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भूनना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। कोहड़े का कलर चेंज हो गया है, तो मैं चला के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, उबाला हुआ चना और आलू को साथ में डाल देंगे। आलू हमने छोटे छोटे टुकड़े में इसे तोड़ दिया है। कद्दू के साथ में इसे भी चला देंगे। 2 मिनट के लिए चना और आलू को भून लेना है। 2 मिनट हो चुका है, अब इसे चला देना है। अब डालना है बारीक कटा हुआ लाल टमाटर। पीसे हुए मसाले को डाल देना है। एक छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा से डालेंगे गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले को सब्जी के साथ में 5 मिनट के लिए भून लेना है। दोस्तों, हमारे बताए गए हुए तरीके से यदि बनाओगे तो खाते ही रह जाओगे। बड़े और बच्चे सब लोग पसंद करेंगे। इस तरीके से पूरी और पराठा के साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी लगती है। जिस कटोरी में हमने मसाला पीसकर उठाया था, तो वही पानी मैं डाल रही हूँ। देखिए, साफ करके कटोरी, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एक चम्मच इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। सब्जी में नमक को चला के मिला देना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के सब्जी को पका लेना है। ये देखिए दोस्तों, सब्जी बहुत अच्छे से पक रही है। तो मैं आप लोगों को चला के दिखाती हूँ। मस्त टेस्टी आलू और चने की सब्जी बनके तैयार है। ये आप लोग देख सकते हैं, पराठा पूरी के साथ खाने के लिए। दोस्तों, ये रेसिपी बनाने में हमें 1 घंटे का समय लगा है। प्लीज़, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। सब्जी को हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो नहीं डाल रही हूँ।
हमारे सब्जी से दोस्तों ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, तो चलिए इसी खुशबू के साथ में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। इसी तरीके से मिलेंगे और भी अच्छे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।